हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चलिए अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रेवाड़ी की तस्वीरें हैं, यहाँ रबड़ी नहीं बट रही है, ना ही किसी मशहूर जलेबी वाले ने मुफ्त में जलेबी बांटने का स्टॉल लगाया है। पानी के एक मशहूर किस्से ने यहाँ जमावड़ा लगवाया है। कहते हैं पानी चमत्कारी है और स्वास्थ्य विभाग कहता है बच के रहना, पानी नहीं बीमारी है। डेढ़ सौ रुपए में 40 लीटर हम तो आज लेकर आए हैं। और ये शुगर के पानी का सुना था कहा मच रहा है। वो मुस्लिम महिला थी, उसे पूछा तो बोली मैं पानी बिकते हुए में रहती हूँ। डेढ़ सौ रुपए में 40 लीटर हम तो आज लेकर आए हैं। और ये शुगर के पानी का सुना था कहा मच रहा है। वो मुस्लिम महिला थी, उसे पूछा तो बोली मैं पानी बिकते हुए में रहती हूँ। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। रेवाड़ी के गुजरीवास गांव में ट्यूबवेल से चमत्कारी पानी की खबर तेजी से वायरल हो रही है और पानी के लिए लोगों का जैसे हुजूम उमड़ पड़ा है। मेले सा माहौल हो गया और लोग दूर दूर से आने लगे। मैं यमुनानगर से आया हूँ और ये शुगर के पानी का सुना था तो वो लेने आया था पानी यहाँ, पर भीड़ बहुत है, कोई सिस्टम नहीं है, हाहाकार मच रहा है। तो मैंने कहा शायद लाइन वाइन लगी होगी, तो मैं तो सवेरे 3 बजे का चला हुआ हूँ, अब पहुँचा हूँ। कोई उम्मीद ही नहीं है क्योंकि ये सब लोकल लाइट्स हैं, हम लोग बाहर से हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसे नकार दिया है। विभाग की माने तो पानी पीने लायक तक नहीं, पानी में बैक्टीरिया पाए गए हैं, इंसान के लिए हानिकारक है, फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा है और पानी बीमारियों के लिए न्योता है। एडीसी साहब के साथ में उस गांव का दौरा किया था, डीसी साहब ने कमेटी बनाई थी कि भाई इस तरह से गांव में गुजर माजरी गांव है, गुजरीवास माजरी, उसमें लोग पानी के लिए लाइन लगा खड़े हुए हैं। तो वहां जाके देखा तो वो जो पानी है, हमने उसके सैंपल लेकर के चेक कराया तो उसमें बैक्टीरिया आए हुए हैं, और बैक्टीरिया आने का मतलब है कि वो पानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसेफ है। उसके बाद हमने इसका आज हम उसके आयंसर पीएच चेक करवा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, परंतु ये कंफर्म हो चुका है कि उसमें बैक्टीरिया है और वो पानी साल्टी है, साल्ट बहुत ज्यादा है, नमक का पानी है उसमें। और अगर उससे बीपी का पेशेंट उस पानी को पीता है तो उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बट नेचुरल है कि जो शुगर के पेशेंट है, जैसा कह रहे कि इसे शुगर ठीक हो रहा है, शुगर ठीक नहीं हो रहा है, शुगर के जो पेशेंट है उनके ब्लड प्रेशर भी होता है, ब्लड प्रेशर अगर इस पानी को वो पियेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये पानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल अनसेफ है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने सेहत को देखते हुए इस पानी का प्रयोग ना करें। बावजूद इसके पानी के लिए लंबी लंबी लाइन है, और तो और लोग इसे डब्बों में भर कर बेच रहे हैं, कहते हैं डिमांड हाई है, लोग पानी खरीद खरीद कर ले भी जा रहे हैं। हाँ, 150 रुपए कितनी बिक जाती है दिन में? पीपियां की है। क्या नाम है? नाम भगत सिंह। भगत सिंह, ये पीपी कितने में बेच रहे हैं आप? 150 रुपए में 40 लीटर। कब से बेचने स्टार्ट किए? ये 2 दिन से। कितनी बिक जाती है? 20 या 25 दिन में, दिन में 20-25, हर दुकान से बिक्री इतनी 20-25 लग रही होगी बेचने वाली। यहाँ पे है 10-12। क्या नाम आपको? सपना। कितनी हम तो आज लेकर आए जी। हाँ, कितनी बिक गई अभी? कब से बैठे? अभी 4-5 बिके बस। कब बैठे थे? सुबह, अभी दोपहर से वही बैठा था। जिनके खेत में ये पानी मिला वो बम हैं, गदगद हैं और पानी के चमत्कार की गाथा सुना रहे हैं, साथ ही कहते हैं सरकार को मदद करनी चाहिए। ये तो आपका है? जी भाई का है। अच्छा, तो अभी कब से यहाँ पे इस तरह से भीड़ लगी? आज तो देख रहे बहुत जी भैया, ये हो गए कम से कम 6-7 महीने, ज्यादा होगी, पब्लिक ज्यादा आने लगी।
कैसे पता चला था कि पानी ऐसा है? जी हमारे यहाँ पे ना खेत में जो मतलब काम करते हैं ना वो मुस्लिम महिला थी एक, तो वो ना वहाँ उसकी थी ज्यादा, फिर वो वहाँ पे गई जो वहाँ डॉक्टर के पास जयपुर जाके वहाँ चेक करा तो उसकी थी नहीं, तो उसे पूछा तो बोली मैं पानी पीती हूँ कुएं पर रहती हूँ, बस वहीं से स्टार्ट हो गया ये। उससे मान ले कितने लोग आ गए होंगे जी यहाँ से, पता नहीं कितने आते हैं दूर दूर से पब्लिक, पंजाब पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, सुबह शाम तक मतलब भीड़ इतनी लग रही है, एक किलोमीटर दूर तक गाड़ी खड़ी है देख लो आप। जी अब कितने बता दे आप देख लो कितने, आप देख लो कितनी भीड़ लग रही है देख लो आप। जी गाँव की तरफ से मांग की गई है या तो मतलब इसमें हम सहयोग करा जाए सरकार की तरफ से, जो लाइट 24 घंटे दी जाए, यहाँ लाइट आती नहीं है बस 2-3 घंटे आती है, 3-4 घंटे आ गई है, पब्लिक परेशान हो रही है बहुत ज्यादा, हाँ दूर दूर परेशान हो रही है। अभी पानी की जांच के बाकी रिपोर्ट आने हैं, लेकिन इतना तो तय है कि देश में अब भी चमत्कार की उम्मीद लोगों में बाकी है, चमत्कार की खबरें लोग मान लेते हैं और आंख बंद करके लोगों का हुजूम टूट भी पड़ता है, लेकिन सावधान रहिए ये पानी पीने लायक नहीं है। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।